वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज थोड़ा सा नेटवर्क स्लो था और इसी कारण हमारी जो लाइव क्लास है उसको मैंने स्थगित किया है, और आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्डेड क्लास की है और उसको मैं थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूँगा, है ना। और अपलोड के बाद ही आपके पास पहुँच जाएगी, क्योंकि लाइव क्लास में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है अभी, है ना, नेटवर्क से संबंधित। नेटवर्क में होता क्या है कि पहली चीज़ तो लाइव क्लास बफर होकर चलती है, पहली चीज़ उसमें आवाज़ कहीं और वीडियो कहीं चलता है, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि मैं यहाँ दिखाई नहीं देता और आवाज़ चलने लगती है, और फिर वो रिकॉर्डेड भी वैसे ही अपलोड हो जाती है, तो उसमें काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास जो होती है वो बहुत अच्छे से अपलोड होती है, सारा डाटा उसका बहुत अच्छे से अपलोडेड हो जाता है, इसी कारण मैंने आज इसको बनाया है। और आगे भी हम रिकॉर्डेड क्लास ही डालेंगे, है ना। और अगर आप लोगों को ठीक लगे या आप लोगों को समस्या ना हो क्लास में तो आप बता देना कमेंट में, उस हिसाब से फिर मैं आगे इस क्लास लूँगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को। हमने कल 152 आर्टिकल तक पढ़ लिया था, पिछली क्लास में मैंने सारे 152 आर्टिकल आपको क्रम से समझा दिए थे। आज हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 153। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि राज्य की कार्यपालिका की बात आ जाती है, यहाँ से सारे राज्यों की बात शुरू हो जाती है। तो जब राज्य की बात होगी तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, है ना। प्रमुख अगर आपसे पूछे तो आपको राज्यपाल लगाना है। वैसे देखा जाए तो वास्तविक जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री में निहित होती है, लेकिन प्रमुख राज्यपाल ही होता है। तो सबसे पहला 153, राज्यों में राज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत? 153, ये एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट 154, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति होगी किसके पास? राज्यपाल के पास। कार्यपालिका की शक्ति तो होगी, लेकिन जब कार्य करेगा तो किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। कार्य करने की शक्ति तो है, कार्य तो करेगा, लेकिन सिफारिश पर करेगा, सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर? मंत्रियों की सलाह पर। अभी आगे आर्टिकल आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट 155, राज्यपाल की नियुक्ति। इसमें नियुक्ति की बात की गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। 156, राज्यपाल की पदावधि। पदावधि आप जानते ही हैं कि कितने समय तक रहेगा, 5 वर्ष, ठीक है। 157, राज्यपाल की योग्यताओं की बात की गई है, अर्हताओं की बात की गई है कि कौन कौन सी योग्यताएं उसमें होना चाहिए जिस व्यक्ति को हम राज्यपाल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला तो नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिकता के साथ साथ 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, है ना, किसी प्रकार से लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, ऐसी बहुत सारी योग्यताएँ होना जरूरी है। 158, राज्यपाल की पद की शर्तों की बात की गई है, है ना, कि पद की कौन कौन सी शर्तें हैं। एक बात याद रखना है, यहाँ हम केवल आर्टिकल पढ़ेंगे, जब मैं राज्यपाल को डिटेल से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर और भी सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट 159, राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल जब शपथ लेता है तो 159 आर्टिकल, इसको आपको याद रखना है, ये IMP आर्टिकल है, राज्यपाल की शपथ 159 आर्टिकल में दी है। नेक्स्ट 160, 160 में क्या है? आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। जैसे कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि राज्यपाल नहीं है तो उसकी स्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कैसे होगा, है ना, तो उसकी बात इसमें कही गई है। 161, क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति होती है, जैसे राष्ट्रपति को है, जैसे हमने आर्टिकल 72 में पढ़ा था, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है, और यहाँ पर राज्यपाल को शक्ति क्षमादान की शक्ति होती है। राष्ट्रपति को पूरे भारत में होती है और राज्यपाल को केवल राज्य में होती है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी समाप्त कर सकता है, निलंबित कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को समाप्त नहीं कर सकता। मृत्यु दंड के अलावा और भी जितने भी दंड हैं उनका लघुकरण कर सकता है, है ना। तो मृत्यु दंड का आपसे पूछे और ऑप्शन में राष्ट्रपति और राज्यपाल हो तो आपको राष्ट्रपति लगाना है। 162, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति बताई है कि कार्यपालिका जो है वो कहाँ तक अपने कानून बना सकती है, क्या क्या शक्तियाँ हैं, किन किन पर कानून बनेगा, कैसा बनेगा, वो उन सबका पूरा डिटेल 162 में है, है ना। तो डिटेल आपको जानना जरूरी नहीं है, बस आपको याद रखना है कि किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 162, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति। नेक्स्ट 163, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ये आ गया आर्टिकल 163। ये आर्टिकल ऐसा है कि इस आर्टिकल ने इस शक्ति को छीन लिया है, है ना। राज्यपाल को कार्यपालिका की शक्ति तो है, लेकिन राज्यपाल सलाह पर काम करेगा, सहायता पर काम करेगा, किसकी? मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर सारे काम करेगा 163 आर्टिकल। ये IMP है, इसे आप बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट 164, मंत्रियों की संख्या।
मंत्रियों की संख्या जो है वो 15% ही रहेगी। मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि किसी विधानमंडल में जो आपकी विधानसभा है उसकी जितनी भी सीटें हैं उनमें मंत्री जो होंगे वो उसके 15% होंगे। जितनी भी सीटें हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, तो 230 विधायक में से आप 15% 230 का निकाल लेंगे और उसमें से जितनी भी संख्या आएगी उतने ही मंत्री रह सकते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? सीएम की सलाह पर करेगा, है ना। सीएम ही मतलब मुख्यमंत्री जिनको बताएगा कि मंत्री बनाना है उन्हीं को मंत्री राज्यपाल बनाएगा। राज्यपाल यहाँ अपना विवेक नहीं लगाता, है ना। यहाँ पर सीएम जो कहेगा सो वो राज्यपाल करेगा। 165 राज्य में महाधिवक्ता, मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी 165 आप याद कर लें। 165 में क्या है? राज्य में महाधिवक्ता, है ना। और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश का महाधिवक्ता कौन है जल्दी से बताइए, है ना। तो शशांक खेहर जी थे, शेखर जी थे, और ये अभी हाल फिलहाल में चेंज हो चुके हैं जैसा कि अमिता जी ने बताया था। और अमिता जी, वो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, पुरुषेंद्र कौरव को हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का नया महाधिवक्ता, या इंग्लिश में कहें तो एडवोकेट जनरल बनाया गया है। और इन्होंने 26 मार्च 2020 से अपना कार्यभार संभाला है, क्योंकि शशांक शेखर जी जो हैं उनका कार्यकाल 20 मार्च को समाप्त हो गया था, ठीक है। तो जैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है वैसे ही केंद्र में कौन होता है? महान्यायवादी, अटोर्नी जनरल, ठीक है। तो सेम पद है। नेक्स्ट 166 राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे, मोस्ट आईएमपी, जितने भी काम होंगे उन पर साइन किसके होंगे? राज्यपाल के, है ना। राज्यपाल के साइन होंगे, और साइन का मतलब है नाम से होंगे। साइन का मतलब नाम होता है, नाम ही तो शॉर्ट में साइन है, है ना। तो राज्य के जितने भी काम हैं वो सीएम और मुख्यमंत्री और ये सब सदस्य सलाह जरूर देंगे, लेकिन वो किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से। इस आर्टिकल को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। 166 में हस्ताक्षर करता है राज्यपाल। नेक्स्ट 167 सीएम के कर्तव्य है कि वे राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के बीच का जो डिस्कशन है उसको बरकरार रखे। मतलब ये है कहने का कि एक तरफ मंत्री हैं, एक तरफ सारे मंत्री हैं सदस्य हैं, और एक तरफ राज्यपाल है, और जो बीच में होता है वो सीएम होता है। राज्यपाल, सीएम और मंत्री, है ना। मंत्री की बात सीएम तक जाएगी, सीएम राज्यपाल से बात कहेगा, राज्यपाल कुछ सीएम को बताएगा, सीएम मंत्री को बताएगा। तो कुल मिलाकर सीएम बीच में बिचौली की तरह काम करता है, इंटरमीडिएट की तरह काम करता है सीएम, है ना। राज्यपाल साइन कर देता है लेकिन कहता कौन है? सीएम कहता है। और सीएम किसकी सिफारिश पर करता है? मंत्री। सारे लोग मंत्री सदन में बैठकर, विधानमंडल में बैठकर, विधानसभा में बैठकर डिसीजन लेते हैं, डिसीजन सीएम तक जाता है, सीएम राज्यपाल को देता है, राज्यपाल साइन कर देता है। किस आर्टिकल के तहत? 166 के तहत साइन करेगा। बात किस आर्टिकल के तहत मानेगा? 167 के तहत सीएम के कुछ कर्तव्य हैं। नेक्स्ट 168 राज्य में विधानमंडल होगा, है ना। राज्य में विधानमंडल होगा, आप जब चुनाव देते हैं, चुनाव में वोट देते हैं, तो चुनाव वोट आप किसको देते हैं? आप देते हैं वोट एमएलए को, है ना। एमएलए मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप हिंदी में विधायक कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या नाम है? एमएलए। तो एमएलए को जब आप वोट देते हैं, विधायक को जब वोट देते हैं, तो विधायक जाकर कहाँ बैठता है? विधानमंडल में। विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक का नाम है विधानसभा और एक का नाम है विधान परिषद। बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन विधानसभा है। और विधानसभा और विधान परिषद दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं, जो कि राज्य का विधानमंडल होता है। जैसे केंद्र में संसद होती है, लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, वैसे ही राज्य में विधानमंडल होता है, जो कि विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है, जहाँ बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका डिटेल हम बात करेंगे, ठीक है। तो विधानमंडल होगा मतलब विधानसभा भी होगी 168 के तहत। 169 विधान परिषद राज्य में होगा। देखो यहाँ विधानमंडल होगा मतलब दोनों की बात की, तो विधानसभा तो सभी राज्यों में है, सारे जितने भी राज्य हैं भारत में 28, सभी राज्यों में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद भी है बहुत सारे राज्यों में, है ना। टोटल 7 राज्य हैं, अब तो 6 बचे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, अब जम्मू कश्मीर यूटी हो चुका है, केंद्र शासित हो चुका है, तो विधान परिषद वहाँ नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, ठीक है, आपका कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे राज्य हैं वहाँ पर विधान परिषद है। और विधान परिषद में वोटिंग का जो प्रकार है वो थोड़ा सा अलग है, इसमें वोटिंग एक तिहाई जो है वो आपके विधायक करते हैं, है ना। कुछ जो कॉलेज है, कॉलेज
जैसे किसी का स्नातक हो गया तो स्नातक होने के बाद जो बच्चे हैं है ना वो कुछ वोट करते हैं कुछ परसेंट, कुछ परसेंट माध्यमिक जो स्कूल है उसके टीचर्स करते हैं है ना, कुछ नगर पालिका के सदस्य करते हैं और बाकी जितनी सीटें बचती हैं उन पर राज्यपाल डिसीजन लेता है। तो इस तरीके से ये पूरी विधान परिषद तैयार होती है, लेकिन ये शक्तिशाली सदन नहीं है। 170 विधानसभा में मिनिमम 60 व्यक्ति होना जरूरी है, कहीं की विधानसभा आप उठाकर देखेंगे कम से कम 60 सदस्य होना जरूरी है, 60 विधायक होना जरूरी है तभी विधानसभा बनेगी। कम है तो विधानसभा नहीं बन पाएगी क्योंकि वो छोटा क्षेत्र है, फिर आप उसको क्या बना दो, केंद्र शासित बना दो। अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में, याद रखना। जैसे मध्य प्रदेश में भी विधानसभा में 230 विधायक हैं, 230 सीटें हैं, ये मैक्सिमम अगर हम बढ़ाएंगे तो 500 तक ले जा सकते हैं, 500 से 501 आप नहीं कर सकते है ना। तो इसका ड्यूरेशन विधानसभा में बताया गया है, लेकिन कभी कभी इसमें एक अब बात भी जोड़ दिया है कि अगर कुछ विशेष क्षेत्र है, विशेष जनजाति वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ पर ये संख्या 60 से भी कम हो सकती है, जैसे असम मिजोरम वगैरह हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 171 विधान परिषद की संख्या विधानसभा के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे राज्य है राज्य का जो विधानमंडल है उसमें एक तो विधानसभा होगी और एक क्या होगा विधान परिषद होगा है ना। तो जब विधानसभा तो सभी में है, विधानसभा सभी में है, लेकिन कुछ राज्यों की जब मांग होती है, कुछ राज्यों की मांग होती है कि भाई हमें विधान परिषद बना के दे दो, तो विधान परिषद कौन बनाता है, संसद। जब संसद बनाती है तो संसद कहती है कि जितनी तुम्हारी संख्या है उससे एक तिहाई रहेगी। जैसे विधानसभा की सीटें हैं अगर 300 हैं, मतलब 300 विधायक हैं किसी राज्य में, तो विधान परिषद में कितने होंगे, 100 होंगे। 90 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 से ज़्यादा आप विधान परिषद में सदस्य नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम यूपी का, हमारे यहाँ तो विधान परिषद है नहीं इसलिए हमारे यहाँ का एग्जाम्पल हम ले नहीं सकते। हम लेते हैं यूपी का, यूपी में जो सीटें हैं वो 403 वहाँ के विधायक हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती थी। 403 का जब आप एक तिहाई निकालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन इन्होंने 100 निर्धारित किया है, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं हिसाब करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट 172 आर्टिकल जो है विधानसभा की समय अवधि, बहुत सिंपल है, कितना सिंपल है, आप किसी से भी पूछ लो विधायक कितने समय के लिए बनता है, बच्चा बता देगा 5 साल के लिए। विधानसभा में जो विधायक होता है, मतलब विधायक का कार्यकाल पूछे चाहे आपसे विधानसभा का कार्यकाल पूछे, कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर आपसे कोई विधान परिषद का कार्यकाल पूछ ले तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जैसे विधानसभा जैसे काम करती है लोकसभा, कहाँ, केंद्र में, इसका 5 साल होता है, इसका भी 5 साल होता है। विधान परिषद के समक्ष कार्य करती है राज्यसभा, तो राज्यसभा का भी 6 साल होता है और विधान परिषद का भी 6 साल होता है, तो इस चीज़ को समझिए आप। ठीक है, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल हम बढ़ा सकते हैं है ना, संविधान में ऐसी भी बात है ना, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कथन के आधार पर कि विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, निम्न कथन पर स्पष्ट कीजिए, बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता, बढ़ाया भी जा सकता है और नहीं भी बढ़ाया जा सकता, दोनों हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको समझना होगा। ठीक है, कब बढ़ेगा, आपातकाल की स्थिति में बढ़ाया जा सकता है और एक बार में केवल 1 साल के लिए विधानसभा बढ़ेगी। आपातकाल लग गया, कोई दिक्कत हो गई राज्य में, ठीक है, तो 1 साल के लिए बढ़ सकता है। जैसे अभी कोरोना की स्थिति, अगर इस कोरोना के समय में चुनाव होना होता तो निश्चित तौर पर चुनाव पोस्टपोन हो जाता है ना। और जो हमारा 5 वर्ष, जैसे मान लो 5 वर्ष होते, 5 वर्ष किसी चुनाव के लिए होते और चुनाव जैसे ही होना होता और कोरोना आ जाता, तो कोरोना जब आ जाता तो उस चुनाव को बढ़ा दिया जाता, मतलब 5 साल की जगह फिर वो 6 साल भी बढ़ाया जा सकता था। जैसे अभी आपने देखा होगा कि उपचुनाव होना था लेकिन जो उपचुनाव को क्या कर दिया है, टाल दिया है। क्यों टाल दिया है, कोरोना, मतलब आपातकाल जैसी स्थिति है। ठीक है, तो इस समय अगर उपचुनाव ना होकर अगर विधानसभा चुनाव होता तो वो भी क्या है, बढ़ जाता है ना, एक बार में एक वर्ष बढ़ा दिया जाता है। दूसरे वर्ष अगर फिर स्थिति बनी है तो दूसरी बार में फिर 2 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट, तो याद रखना आपका जो विधायक बनता है 5 साल का है ना, तो वो किस आर्टिकल के तहत, 172। 173 राज्य विधानमंडल के सदस्य की अर्हता। ठीक है, जैसे राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल में कौन जाएगा, सदस्य जाएगा। ठीक है, सदस्य का नाम क्या होगा, विधायक होगा। तो उस विधायक के पास क्या क्या होना चाहिए, विधायक के पास क्या क्या होना चाहिए, उसकी योग्यता क्या क्या होना चाहिए ताकि वो विधायक बन सके, तो वही सारी चीज़ें, नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है,
और नामांकन होना जरूरी है, एक नामांकन फॉर्म होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उसकी शपथ दिलाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस आपको याद रखना है कि योग्यता किसमें है, 173 में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। 174, राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का 6 माह, देखो विधानमंडल जो होता है उस विधानमंडल का जो पूरा प्रोसेस है वो निर्धारित करता है राज्यपाल। जैसे विधानमंडल जो है उसका प्रारंभ करना है, प्रारंभ करने के बाद उसका स्थगन करना है, उसका विघटन करना है, उसका सत्रावसान करना है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, एक विधानसभा की बैठक के बाद दूसरी विधानसभा की बैठक होनी है तो दोनों बैठक के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये सब पूरा डिसीजन कौन लेता है? राज्यपाल। राज्यपाल बताता है कि 6 माह होने वाले हैं, जल्दी से बैठक करो, ठीक है। तो इस तरीके से सारा जो दारोमदार है वो राज्यपाल के ऊपर होता है। नेक्स्ट, 175, राज्यपाल का प्रथम सत्र। राज्यपाल जो है वो प्रथम सत्र को आरंभ करेगा। जैसे वोटिंग हुई, विधायक बने, विधायक के बाद मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री के बाद मंत्री बन गया, सब कुछ हो गया, पहली बैठक हुई और उस सत्र का आरंभ राज्यपाल करेगा। जब सत्र का आरंभ करेगा तो उसमें वो अभिभाषण देगा। तो अभिभाषण देने की शक्ति और सत्र को आरंभ करने की शक्ति किसको है? राज्यपाल को। पूछे किस आर्टिकल में है तो आप बता देना 175, है ना, जितने रन सहवाग ने वर्ल्ड कप में पहले मैच में बनाए थे और जिस दिन जिस बार हम वर्ल्ड कप जीते थे 1983 में, तब उस 1983 में कपिल देव ने भी 175 रन बनाए थे। तो उस 175 से आप ये याद रख सकते हैं कि राज्यपाल उसी सत्र को आरंभ करता है और उसी समय हम वर्ल्ड कप जीतना भी आरंभ किए हुए थे। 176, राज्यपाल में विशेष अभिभाषण। राज्यपाल विशेष अभिभाषण भी कर सकता है, है ना, कभी कभी ज्वाइंट सेशन बुलाना हो, दोनों सदनों को एक साथ बिठाना हो, तो इस तरीके के कार्य भी राज्यपाल करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 177, सदन का मंत्री एवं महाधिवक्ता दोनों सदनों में, मोस्ट IMP। 177, इसे आप नोट करके लिख लें। क्या नोट करके लिखेंगे? कि जितने भी मंत्री हैं और जो महाधिवक्ता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि महाधिवक्ता किसमें है, आपका 165 में है, तो 165 का जो महाधिवक्ता है वो 177 में क्या करेगा? 170 में वो दोनों सदनों में बैठ सकता है। कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सदस्य है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदस्य नहीं होता फिर भी दोनों सदनों में बैठता है? महाधिवक्ता, केंद्र में महान्यायवादी, सदस्य नहीं है, ना विधान परिषद का सदस्य होता, ना विधानसभा का सदस्य होता, और वहां पर ना लोकसभा का सदस्य होता, ना राज्यसभा का सदस्य होता, लेकिन दोनों सदनों में बैठता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। इस बात को आप याद रखिए, महाधिवक्ता वोट क्यों नहीं डाल सकता? सिंपल है, सदन का सदस्य नहीं तो वोट क्यों डालेगा, लेकिन बैठ सकता है, बातचीत कर सकता है, सलाह दे सकता है। क्यों देगा? क्योंकि उसे कानून का पूरा ज्ञान होता है, है ना। कोई बच्चों जैसी बातें करने लगता है, कोई बेमतलब की बातें करने लगता है तो बताता है कि ऐसा नहीं, ये कानून है, कानून में ये लिखा है, ऐसा होना चाहिए। तो कानूनी पूरा ज्ञान होता है, महान्यायवादी को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बराबर क्वालिफिकेशन होता है और महाधिवक्ता का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर क्वालिफिकेशन होता है, उन्हें सारा कानून पता होता है, इसलिए वो बोल सकता है। 178, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हो गई, सीधी बात है, जब विधानसभा रहेगी तो उसका एक अध्यक्ष होगा, जैसे लोकसभा होती है तो लोकसभा में ये अध्यक्ष होता है, ठीक। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है ये कमेंट करके आप बताइए, और वर्तमान में हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं तो आप उपाध्यक्ष का भी नाम बता देंगे। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश की विधानसभा का कौन है, ठीक है, और किस आर्टिकल में है, तो वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपका 178 आर्टिकल में है। 179 में क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष पद की रिक्ति एवं एक दूसरे को त्याग पत्र। जैसे अगर रिक्ति हो गई, एक को पद रिक्त है तो वो दूसरा काम करने लगेगा, जैसे अध्यक्ष नहीं आया उपाध्यक्ष को बिठा लो, बात समझ में आ रही है। अध्यक्ष ने त्याग पत्र दे दिया, किसे देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष त्याग पत्र देगा अध्यक्ष को, इस तरीके की चीजें। 180, अध्यक्ष पद के कर्तव्य। अध्यक्ष के कुछ कर्तव्य होते हैं, है ना, सत्र को शुरू करना, है ना, सत्र को सुनना, सत्र में अगर कोई ज़्यादा बहस कर रहा है तो उसको बाहर कर देना, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप कभी देखना, है ना, अगर आप विधानसभा का नहीं तो लोकसभा का आप देखना, कभी भी लोकसभा के सदन की जो बैठक होती है, है ना, तो वो आप जरूर से देखना। जब एक बार देख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर एक बैठा रहता है, लेकिन वो किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं होता, अगर वो किसी पार्टी का होता है तो उसको पार्टी छोड़नी होती है, ठीक है। तो वो सारे कर्तव्यों को पूर्ण रूप से विधानसभा में संचालित करता है, और वहाँ पर जो लोकसभा में है वो लोकसभा के संचालित करता है। तो अध्यक्ष होगा, अगर अध्यक्ष नहीं है तो फिर उसी सीट पर उपाध्यक्ष बैठ जाता है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो एक लिस्ट बनाई जाती है 10 व्यक्तियों की, जो कि सीनियर मोस्ट होते हैं,
है ना, सीनियर मोस्ट होते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते हैं। 10 लोगों की सीटें बना दी जाती हैं, उन 10 में से कोई एक व्यक्ति पहुंचा दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता, फिर भी दूसरा व्यक्ति वहां पर आपको बैठा मिलेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना। अगर आपको कभी लगने लगे ये अध्यक्ष गलत है, गलत आदमी है, ये संवैधानिक काम नहीं कर रहा, ये भ्रष्ट है, या किसी प्रकार का आपको कोई ऐसी एविडेंस मिल जाता है कि अध्यक्ष बनने योग्य नहीं है, या तो वो नागरिकता कहीं और की ले लेता है, पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, भ्रष्ट पाया जाता है, किसी प्रकार से अगर कोई ऐसी स्थिति मिलती है तो उसे हटा दिया जाता है। लेकिन जब वो हटेगा, है ना, जैसे हटाने की बात चलने लगी, तो वो पीठासीन नहीं होगा, मतलब सीट पर नहीं बैठ सकता। नेक्स्ट 182 विधान परिषद में सभापति और उपसभापति हो गए। ठीक सी सीधी सी बात है, जैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है, वैसे ही यहाँ पर हमारे विधान परिषद में भी सभापति और उपसभापति होगा। नेक्स्ट 183 सभापति उपसभापति सदन का सदस्य होगा। एक बात याद रखना, राज्यसभा में जो सभापति और उपसभापति होते हैं उसमें से सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ राज्य में विधान परिषद होती है और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति जो है वो दोनों सदन के सदस्य होते हैं। ठीक है, 184 सभापति उपसभापति की रिक्ति पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाएगी। जैसे सभापति भी नहीं है विधान परिषद में, उपसभापति भी नहीं है, तो राज्यपाल एक व्यक्ति को नियुक्त कर देगा कि तुम अब सभापति का काम करो। 185 सभापति उपसभापति पीठासीन नहीं होंगे, मैंने बता दिया है। 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते। देखो, जैसे लोकसभा केंद्र में है और राज्यसभा केंद्र में है, वैसे ही सेम विधानसभा और विधान परिषद है। प्रत्येक सदन में दो प्रमुख होते हैं, लोकसभा में मतलब यहाँ विधानसभा में, एक होगा अध्यक्ष एक होगा उपाध्यक्ष। वैसे ही विधान परिषद में या सेम राज्यसभा में, एक होगा सभापति एक होगा उपसभापति। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि केंद्र में भी दो सदन हैं और राज्य में भी दो सदन हैं, बात क्लियर है, है ना। एक सदन में दो व्यक्ति होते हैं, है ना, एक नहीं है तो दूसरा काम करे, तो एक अध्यक्ष दूसरा उपाध्यक्ष, एक सभापति दूसरा उपसभापति, तो चारों व्यक्ति हैं। चारों व्यक्तियों के वेतन भत्ते की बात की गई है, किसमें, 186 में, वेतन भत्ते संचित निधि से दिए जाएंगे। 187 विधानमंडल का सचिवालय होगा। विधानमंडल का क्या होगा, एक सचिवालय होगा, जैसे आपने देखा होगा वल्लभ भवन हमारे यहाँ का सचिवालय है, वहाँ पर सारी चीज़ों का डिस्कशन किया जाता है, क्या बनना है, कौन सा योजना लाना है, तो कुल मिलाकर लिखित कार्य जितने हैं वो सचिवालय में होते हैं। बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, तो है ना, जैसे आपने देखा होगा समीक्षा अधिकारी होता है, बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, तो उनको कहाँ, सचिवालय में नियुक्त किया जाता है। जैसे अभी ग्रुप 4 का वैकेंसी निकला था, तो उसमें भी बहुत सारे लोग इस सचिवालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त हुए थे, है ना। कुछ बड़ी पोस्ट भी होती हैं, तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जितनी योजना है, जितने कार्य हैं, जितने भी सरकारी काम हैं, वो सचिवालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जितने भी ईमानदार व्यक्ति होते हैं, है ना, उनको वहाँ से निकालकर इसी सचिवालय में फेंक दिया जाता है कि बेटा जाओ और तुम कागज कार्यवाही पूरी करते रहो और लिखते रहो, है ना, तो इस तरीके से। नेक्स्ट 188 विधानसभा में, विधानसभा जो है और विधान परिषद जो है, दोनों में कुछ सदस्य होंगे, उन सदस्यों की शपथ की बात की गई है, हाँ, शपथ को कैसे क्या कब दिलाई जाएगी। 189 सदन का 10% जरूरी है गणपूर्ति के लिए, मतलब कुल मिलाकर विधानसभा या विधान परिषद की अगर बैठक हो रही है तो उनके अगर 10% लोग नहीं आए तो गणपूर्ति नहीं मानी जाएगी और विधानसभा की बैठक को रद्द कर दिया जाएगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति या उपसभापति के द्वारा। क्यों कर दिया जाएगा, क्योंकि लोग तो आए। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्लास में देखा होगा कि कोई अगर पर्व है ना, या फिर बस बंद है, या फिर बारिश हो रही है, तो क्लास में बच्चे नहीं आते। जब क्लास में बच्चे नहीं आते तो टीचर क्या करता है बताइए। टीचर कहता है कि आज हमारी संख्या कम है और हम इसे कल से पढ़ेंगे, है ना। तो एक दो बच्चे आते हैं तो टीचर उनको फिर नहीं पढ़ाता, ताकि बाकी लोगों का नुकसान ना हो पाए, है ना। तो सभी लोगों को तो मज़ा आता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी निश्चित किया गया कि 10% होना जरूरी है। 300 अगर सीटें हैं तो 30 होंगे तभी बैठक होगी, है ना। तो कोरम होना जरूरी है, गणपूर्ति होना जरूरी है। 190 एक सदन की सदस्यता त्यागना। जैसे अगर कभी कभी आपने देखा है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दो जगह से चुनाव लड़ लेते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने लड़ा था दो जगह से चुनाव, तो दो जगह से चुनाव आपने लड़ लिया है, एक जगह से जीते और एक जगह से हार जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों जगह से जीत जाएं तो फिर समस्या है, तो फिर आपको एक जगह की सदस्यता त्यागनी होती है।
और अगर आप दोनों जगह से हार जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह से हार गए क्या मतलब है, अगर दोनों जगह से जीत जाते हैं तब उसमें कंडीशन है कि एक सदन की सदस्यता आपको त्यागना पड़ेगा। 191 सदस्य की निहर्ता है ना, वहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की गई थी, यहाँ पर हमने निहर्ताओं की बात की है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम संसद सॉरी विधानमंडल के सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पहली चीज़, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर है निकल जाइए, नागरिक नहीं हो भारत के निकल जाइए, पागल हो चुके हो निकल जाइए, दिवालिया हो नहीं लेंगे, है ना, समझ में आ रहा है बात आपको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 192 अंतिम विनिश्चय राज्यपाल करेगा। जैसे अगर किसी भी सदस्य की निहर्ता है तो उस निहर्ता को डिसाइड कौन करेगा, इस पर निर्णय कौन लेगा, ये भी तो बात है। अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को कहने लगे, जैसे कोई विधायक है, विधायक से आप सीधे जाके कह सकते हैं कि आप भाई पागल हैं, आप इस योग्य नहीं हैं, तो पहली चीज़ तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, अगर पहुँच जाएंगे तो आप उससे बात नहीं कर पाएंगे, है ना, बात करने का समय ही नहीं मिलता, एक तो वो आते नहीं है कभी, ठीक है। तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, क्योंकि राज्यपाल उससे बड़ा है, वो उनका बाप है, है ना, वो बुलाएगा तो सबको आना पड़ेगा, है ना। तो राज्यपाल डिसीजन लेगा कि कौन व्यक्ति निहर्ता पाया गया है, उसकी निहर्ता को वो चेक करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन को चेक करेगा, अगर डिस्क्वालिफिकेशन पाया जाता है तो उसको भगा दिया जाएगा। नेक्स्ट, 193 बिना शपथ के आप सदन में नहीं जाएंगे। अगर आपने शपथ नहीं ली है तो आप सदन की सीट पर नहीं बैठ सकते। बाई दो भी अगर आप बैठ जाते हैं तो आपका एक दिन का जुर्माना 500 रुपये हो जाता है, जो कि बहुत कम है। बात क्लियर है, है ना, क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक विधायक अगर 500 रुपये दे देगा क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना, कम से कम 5 लाख रुपये होना था मेरे हिसाब से, है ना, तब जाकर उनको अकल ठिकाने आती और रोज़ जाकर वो वहाँ पर बैठते, ठीक है। तो इस तरीके से उनको बैठना तभी होगा जब वो शपथ ले लेंगे, है ना। तो शपथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मान्यता कौन है। 194 में सदन में बैठने पर जुर्माना, देखो इसमें शपथ है और 194 में क्या है, जुर्माना है। एक यार पूछे नहीं जाते कभी, लेकिन मैं तो बताऊंगा, मैं तो आपको सारी जानकारी बताऊंगा एक एक करके, लेकिन जो मैं IMP बताता जा रहा हूं बीच बीच में, उनको आपको बिल्कुल क्लियर करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज और, बोलने का अधिकार है सदन में, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, है ना, गलत सलत भी बोल सकता है। कई बार आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, है ना, बहुत सारे कमेंट भी करने लगते हैं। अभी एक कौन थे लोकसभा में, तो उन्होंने वो किसी प्रकार का दस्तावेज था उसको फाड़ कर उनके मुंह पर मार दिया था, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। अभी राहुल गांधी का भी किस्सा आपने सुना होगा, है ना, कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कुछ इस तरीके के, मैं क्या बताऊँ, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, मुझे भी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, नहीं तो आप वो सेशन को देख लेंगे। तो राहुल गांधी जी ने जब अविश्वास प्रस्ताव किया था तब नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही थी और दोनों के बीच कुछ ऐसे फिजिकल कांटेक्ट हुए थे जो काफ़ी मुद्दा बन गया था, ठीक है, लेकिन उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। 195 सभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन भत्ते। सिंपल सी बात है, एक विधानसभा है राज्य में, एक विधान परिषद है, दोनों में जब सदस्य होंगे तो पैसा लेंगे, है ना, निश्चित सी बात है, पैसा, पैसे के लिए तो वो बैठे हैं वहाँ पर, तो उनका जो पैसा है वो क्या है, वेतन है, और कुछ उन्हें भत्ता भी मिलता है जिसे अलाउंस कहा जाता है। तो वो 195 में कभी भी किसी विधायक से अगर आपकी मुलाकात हो तो बस आप उससे ये पूछना कि सर जी आप विधायक हैं, आप बताइए आपको जो वेतन मिलता है वो किस आर्टिकल के तहत मिलता है, तो अगर आपको बता दे तो उसे संविधान की सही जानकारी है, है ना, वैसे होती नहीं है। 196 धन विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सारे विधेयकों की बात की है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक, ठीक है। तो ये विधेयक आएंगे, विधेयक पारित होंगे, विधेयक पारित होने का सिस्टम आपको पता है, एक सदन, फिर दूसरा सदन, फिर राज्यपाल का साइन, केंद्र में राष्ट्रपति साइन करता है। 197 विधान परिषद और विधानसभा में विधेयक की प्रक्रिया, देखो इसमें विधेयक के बारे में है, इसमें विधेयक की प्रक्रिया है, यही चीज होती है। एक चीज पूछता है, हम एक आर्टिकल को याद कर लेते हैं और उसी की वो दूसरी चीज पूछता है और हम वही लगा के आते हैं, जैसा कि कैग के साथ हुआ था। कैग का जब आर्टिकल पूछा था PSC में तो उसमें शक्ति पूछ ली थी और सब लोग 148 लगा के आ गए थे, है ना। तो ये बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है। 197 में क्या है, सॉरी 196 में है विधेयक के बारे में, 197 में है कि वो विधेयक की प्रक्रिया क्या होगी, और 198 में है कि धन विधेयक को बताएगा कौन कि ये धन विधेयक है, पता कौन चलेगा, आम आदमी थोड़ी बताएगा कि ये विधेयक कौन सा है, तो कौन बताएगा, ये बताने का काम करता है अध्यक्ष, अध्यक्ष उसे पढ़ेगा और बताएगा कि ये धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है कि साधारण विधेयक है, फिर उस हिसाब से वो प्रोसेस में जाएगा। 198
97 के तहत 199 धन विधेयक की परिभाषा देखो, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। विधेयक है 196 में, इसमें विधेयक की प्रक्रिया है, इसमें विधेयक बताएगा कि ये विधेयक है कौन सा, कौन बताएगा, अध्यक्ष। और इसमें 199 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है कि आखिर उसकी परिभाषा होगी क्या, समझें कैसे। इसमें परिभाषा है, अध्यक्ष बताएगा, इसमें प्रोसेस है और इसमें सारे विधेयक की बात की गई है। तो चार आर्टिकल बिल्कुल सेम है, एक आर्टिकल और आएगा अभी आगे। नेक्स्ट 200, आर्टिकल 200 में क्या है, पारित विधेयक। अगर कोई विधेयक पारित हो गया है, ये भी विधेयक वाला है, अगर कोई विधेयक पारित हो गया, विधेयक पारित कैसे होता, विधेयक मतलब बिल, पारित कैसे होता, एक सदन में जाएगा, एक सदन से पास हो जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर उस पर साइन कौन करेगा, अनुमति कौन देगा, तो केंद्र में राष्ट्रपति देता है, राज्य में राज्यपाल देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत देता है, 111 आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति साइन करता है, अनुमति देता है, और यहाँ पर आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देगा। लेकिन कभी कभी राज्यपाल अगर नहीं देता, राज्यपाल सेटिस्फाइड नहीं होता, तो वो ट्रांसफर राष्ट्रपति को भी कर सकता है। 201, विचार के लिए आरक्षित विधेयक। देखो इसमें भी विधेयक की बात है, इसमें भी कभी कभी क्या है, विधेयक जब राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल नहीं समझ पाता कि यार विधेयक आखिर ये है क्या, उसे समझ में नहीं आता, तो उसी विधेयक को विचार करने के लिए राष्ट्रपति को दे देता है। राष्ट्रपति जी, आप इस विधेयक पर विचार कीजिए और मुझे बताइए, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो विचार की बात अगर आपसे पूछे तो 201, 202, राज्यपाल द्वारा बजट को सदन में पटल पर रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बच्चे को पता है कि बजट किस आर्टिकल में है, 112, बच्चे को पता है कि बजट किस आर्टिकल में है, 112। और आर्टिकल अगर 112 ऑप्शन में ना हो तो मैं गारंटी ले सकता हूं इस क्वेश्चन का आंसर कोई सही नहीं कर सकता। आप खुद बता दो उस चीज को कि अगर आपसे बजट पूछा जाता और 112 आर्टिकल में होता तो 112 आप लगा देते, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इनमें से कोई नहीं है तो वो आप लगाने की कोशिश करते, लेकिन अगर राज्य का अगर उसने बजट पूछ लिया तो मैं तो कहता हूं अभी भी ये क्वेश्चन अगर बन जाए ना कि राज्य का बजट किसमें है, तो पहला ऑप्शन अगर वो 112 रख देगा ना, तो बजट देख के लोग 112 टिक कर देंगे। लेकिन आगे राज्य जुड़ा है, तो जैसे ही आगे राज्य जुड़ेगा तो आप क्या लगा देंगे, आप लगा देंगे 202। क्या लगा देंगे 202। राज्य का बजट जब भी पूछा जाए तो वो किसमें है, 202 में है। केंद्र का बजट जो है वो है 112 में। केंद्र का बजट सब जानते हैं, लेकिन राज्य का जब बजट आता है तो ना किसी को पता चलता, ना कोई जानता, और ना किसी को आर्टिकल पता है, है ना। तो 202 में राज्यपाल जो राज्य का बजट है उसको सदन पर रखेगा, सदन के दोनों सदनों के पटल पर रखेगा और बताएगा कि कैसा क्या है। 203, प्राकलन विधि है, इसमें संचित निधि की बात की गई है ना, कि संचित निधि से हम जब कुछ निकालेंगे तो उस पर मतदान नहीं होगा। 204 में विनियोग विधेयक है ना, बहुत सारी चीजों के लिए विधेयक लाने पड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 205, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान, अधिक अनुदान की बात की, जैसे कोई काम शुरू हो गया है, रोड बन रहा है, सरकारी भवन बन रहा है ना, किसी प्रकार की सार्वजनिक कोई चीज को निर्मित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है, उस पैसे को कहा जाता है अनुदान कमीशन, है ना, ग्रांट कमीशन कहा जाता है। तो जो अनुदान होता है, जब कभी आपने देखा कोई भवन बना उसमें पैसा ज़्यादा लग गया तो उसे अतिरिक्त अनुदान में डाल दिया जाता है कि भाई पैसा अतिरिक्त लग गया है, आपने 2 करोड़ दिए थे, 3 करोड़ बना है, तो 1 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान और निकालो और वो हमें प्राप्त करवाओ। अनुपूरक अनुदान, कोई काम चल रहा है और पता चला कि यार और जरूरत है, और पैसे की जरूरत है, तो एक और अनुदान पारित किया जाता है अनुपूरक, और उसको पूरा कर दिया जाता है। अधिक अनुदान में कभी कभी क्या होता है कि कोई काम होना चार करोड़ का है और सबको पता है, लेकिन फिर भी इस अनुदान के तहत 6 करोड़ निकाल दिए, है ना, 6 करोड़ निकाल दिए, तो वो अधिक अनुदान कहलाता है। तो ऐसे अनुदान पारित होते रहते हैं, ये आपको लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। 206, लेखानुदान, प्रत्यनुदान और अपवादानुदान, है ना, ये भी राशि के लिए हैं, ये सब सरकारी अधिकारियों के लिए होते हैं, वही इनको, है ना, करते हैं। जब कुल मिलाकर सीधी और सिंपल आसान भाषा में राज्य के विकास के लिए और राज्य में आधारभूत संरचना और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई भी काम करना है तो उसके लिए पैसा लगेगा, और जब पैसा लगेगा तो वो इन अनुदान के आधार पर निकाला जाएगा, सिंपल और आसान भाषा में। ये अनुदान लाए जाएंगे, पैसा निकलेगा, काम शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट 207, वित्त विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है,
ठीक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक। एक बात याद रखना, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। जैसे सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। जैसा सेम बायोलॉजी में परिभाषा है, कॉन्सेप्ट है, वैसा ही यहाँ पर है। धन विधेयक निकलेगा तो निश्चित तौर पर वो वित्त विधेयक के अंदर आएगा, लेकिन अगर कोई वित्त विधेयक निकला है तो वो जरूरी नहीं है कि धन विधेयक होगा। कैसे? सीधी सी बात है, पैसे से संबंधित अगर कोई बात है तो उसके लिए धन विधेयक जारी किया जाता है। पैसे से संबंधित अगर कोई बात है तो उसके लिए धन विधेयक जारी किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें धन विधेयक से बाहर चली जाती हैं, लेकिन होती पैसे वाली हैं, तो वो वित्त विधेयक मान जाती हैं। पैसा निकालने धरने की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन फिर भी पैसे की बात आ गई। पैसा निकालना रखना टैक्स वैक्स ये सब किस में आ गया? धन विधेयक में। लेकिन फिर भी पैसे की बात, पैसे का काम नहीं होना, लेकिन फिर भी पैसे की बात उस विधेयक में आ जाए, वो वित्त विधेयक हो जाता है। राज्यपाल इसे लाता है ना, स्थापित करता है, विधानसभा में पारित हो जाता है। नेक्स्ट 208 प्रक्रिया नियम। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें कुल मिलाकर जो आपका विधानमंडल है उसकी प्रक्रिया बताइए कि विधानमंडल की प्रक्रिया क्या होगी, नियम क्या होंगे, उसका संचालन कैसे किया जाएगा, कार्यवाही क्या होगी। तो ये संसद के लिए होता है, इसकी कार्यवाही आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, है ना। तो आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, काफ़ी जल्दी समय में हो गया होगा, क्योंकि लाइव में क्या है कि हमारा समय थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है, इसलिए मैंने आज इसको रिकॉर्डेड बनाया है, क्योंकि नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो आगे मैं कोशिश करूँगा कि रिकॉर्डेड ही रहे। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर बता देना, तो मैं लाइव ले लूँगा, कोई इशू नहीं है। बस यही है कि वफ़र होगा, फिर आपको दिक्कत होगी, तो आप बता सकते हैं, मैं उस हिसाब से कार्य करूँगा, ठीक है। तो हमारे 200 आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं, बस कुछ ही समय में हमारे सारे आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।